नमस्कार, मैं हूं सचिन चौरसिया और आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही प्यारी सी अपडेट देने वाले हैं। दोस्तों, हरचंदपुर से लालगंज को जोड़ने वाला जो रास्ता था उसमें काफ़ी दिनों से काम चल रहा था, लेकिन अब इस टाइम काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। कई किलोमीटर ये सड़क बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये सड़क काफ़ी खूबसूरत लग रही है इस टाइम, क्योंकि इस पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और ये सड़क पहले सिंगल ही थी, लेकिन अब इसको काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है, तो एक सिंगल हाईवे का लुक दे दिया गया है। देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेस भी सड़क के दोनों तरफ छोड़ा गया है, क्योंकि इस रूट पे भी काफ़ी ट्रक चलते हैं। इससे काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था अभी तक। आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है सनराइज गैजेट्स ने, जो कि इंस्टाग्राम शॉपिंग पेज है। यहाँ आपको हेडफोन, नेक बैंड, स्मार्ट ईयरबड्स, एप्पल लोगो, स्मार्ट वॉच और बहुत से मोबाइल एसेसरीज देखने को मिलते हैं। इनके अधिकतर प्रोडक्ट बोट, रियलमी, फर्स्ट एप्पल जैसे बड़े ब्रांड के होते हैं, जो कि आपको बेस्ट क्वालिटी में मिलने वाले हैं। यहाँ आपको COD, प्रीपेड दोनों ऑप्शन मिलते हैं और ये आपको ऑल इंडिया डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। रायबरेली शहर में रहने वालों के लिए डिलीवरी बिल्कुल फ्री रहेगी। ये अपना बिजनेस रायबरेली पुलिस लाइन से ऑपरेट करते हैं, जिसके ओनर गौरव हैं। मैंने इनका इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप शॉपिंग पेज पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। और इनका व्हाट्सएप नंबर है 7307340526, जहां से आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आखिरकार दोस्तों, वो दिन आ ही गया है कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी राहत मिलने वाली है इस सड़क से। और आपको बता दें कि ये सड़क इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हरचंदपुर से लालगंज का जो मेन हाईवे है, जो कि रायबरेली से लालगंज होते हुए कानपुर के लिए जाता है, उसमें जोड़ने वाली ये सड़क जो है, ये मात्र 15 से 20 किलोमीटर पे आपको हाईवे पे लेकर जोड़ देती है। और जैसे ही आप हाईवे पे लालगंज वाले पहुंचते हैं, उस मोड़ पे जो कि अटौरा के पास वो मोड़ पड़ता है, वहाँ से आपको मात्र 13 से 14 किलोमीटर पे लालगंज कस्बा देखने को मिलता है। तो ये रोड काफ़ी शॉर्टकट भी है, और अगर आप रायबरेली से लखनऊ की तरफ जा रहे हैं या लखनऊ से रायबरेली की तरफ आ रहे हैं और आपको डायरेक्ट लालगंज जाना है, और रास्ता तो आपको बछावा से भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप हरचंदपुर से जाना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट साइड में स्टेशन रोड पकड़कर सीधा आप अचलेश्वर, ढकिया चौराहा और कुरिहर होते हुए आप अटौरा के पास लालगंज हाईवे पर मिलेंगे। तो ये रोड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस रोड पे आपको काफ़ी कस्बे देखने को मिलते हैं, जैसे कि अचलेश्वर हो गया, इसके आगे आपको काफ़ी गांव देखने को मिलते हैं, कुरिहर, सताओ, गुरुकासगंज, ये सारी तरफ के लोग इसी रूट को फॉलो करते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये सड़क थी और अब इस पर काम चल रहा है। और इस पर आपको हरचंदपुर से जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आपको केबिन के आगे आपको ये थोड़ी दूर पर पेट्रोल पम्प भी देखने को मिल जाता है, और इसके आगे आपको ढगिया चौराहे के पास एक पेट्रोल पंप देखने को मिलता है। इसके आगे आपको इस रूट पे डायरेक्ट कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और काफ़ी लोग अब आपको बता दें कि 2-व्हीलर 4-व्हीलर आप इस रोड पे काफ़ी अच्छे से फर्राटे भरने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया सड़क हो चुकी है। और अभी काम चल ही रहा है, कुछ किलोमीटर ये बनी है और आगे काम बराबर चल रहा है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ये पूरी सड़क कंप्लीट होने वाली है। और देख सकते हैं कि दोनों तरफ आपको काफ़ी स्पेस भी मिल जाता है। Thank you.
करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके।